एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो आज की जो वीडियो है हमारी, ये हमारी इंसिडेंट रिस्पॉन्ड पे है। हमारे पास एक सिनेरियो आया हुआ है, मैं एक लैब कर रहा था तो ये लैब मुझे अच्छी लगी तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करता हूँ इसको। बेसिकली ये लैब एक इंसिडेंट रिस्पॉन्डर के लिए है, जो हमारे ब्लू टीमर्स होते हैं उन पे है। उनके पास एक सिनेरियो आया हुआ है, जैसे कि मेरे स्क्रीन पे आप देख ही रहे होगे। एक बार डिस्क्रिप्शन में रीड आउट कर लेता हूँ। अ विंडोज़ वर्क स्टेशन वॉज रिसेंटली कॉम्प्रोमाइज्ड एंड एविडेंस सजेस्ट इट वॉज एन अटैक अगेंस्ट इंटरनेट फेसिंग RDP। ठीक है, इंटरनेट फेसिंग RDP आपको पता ही होगा। देन मेटापेटर वॉज डिप्लॉयड टू कंडक्ट एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो उसके बाद इसमें मेटापेटर डिप्लॉय किया गया कंडक्ट एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव, जो हमारे साइबर किल चेन में होता है ना, लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव होता है हमारा अटैकर, एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव किया गया है। कैन यू वेरीफाई दीज फाइंडिंग्स, हमको वेरीफाई करनी है फाइंडिंग्स। ठीक है, तो हमें यू हैव बीन प्रोवाइडेड विद द security.evtx एंड system.evtx लॉग एक्सपोर्ट फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज सिस्टम। ठीक है, तो इन ये दो लॉग्स हमें दे रखे हैं, security.evtx और system.evtx हमारे कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से। यू शुड एनालाइज दीज, नॉट द विंडोज लॉग्स जनरेटेड बाय द लैब मशीन। ठीक है, विंडोज लॉग्स हमें एनालाइज करने, ये वाले जो दो लॉग्स हमें दिए, अभी मैं आपको दिखाता हूँ कैसे हमें दिए हैं। तो अब जो है हमारा, इसमें हमें दे रखा है व्हेन यूजिंग डीप ब्लू CLI इंश्योर यू आर प्रोवाइडिंग द पाथ टू दीज फाइल्स। ये पाथ है हमारी, डेस्कटॉप पे आप देख रहे होगे, इन्वेस्टिगेशन नाम की हमने फाइल बना रखी है। इसमें मेरे को यहाँ पर ये है सिक्योरिटी, ये है system.evtx करके जो हमें डाटा दिया हुआ था। ठीक है, तो ये चीज़ हमें इन्वेस्टिगेशन करनी है अभी। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक पावर शेल ओपन करेंगे हम इन्वेस्टिगेशन, और जो क्वेश्चंस हैं हमारे वो ये हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चंस है वो है यूजिंग डीप ब्लू CLI इन्वेस्टिगेट द रिकवर्ड सिक्योरिटी लॉग्स विच यूजर अकाउंट रैन google.update.exe। ठीक है, तो पहले हमें ये फाइंड आउट करना है जो हमारा कौन सा अकाउंट है जो रन कर रहा है हमारे google.update.exe नाम की फाइल को। ठीक है, तो सबसे पहले हम पावर शेल ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं इसको क्रॉस कर लेते हैं पहले। तो सबसे पहले हम पावर शेल ओपन करेंगे। पावर शेल ओपन करने के लिए हम यहाँ पर रहेंगे पावर शेल, ओ सॉरी मैंने गलत ओपन कर दिया, ये क्रॉस कर देते हैं। पावर शेल, विंडोज पावर शेल आ गया, इसको ओपन कर देता हूँ मैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें अपने डेस्कटॉप में जाना होगा। डेस्कटॉप में गए, जैसे कि LS करता हूँ मैं, हमारे पास जैसे हमने डिस्क्रिप्शन में बताया था इन्वेस्टिगेशन नाम का फोल्डर है, तो इसमें अब हमें क्या करना है, इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं हम, CD इन्वेस्टिगेशन LS करते हैं, क्योंकि ये सारी फाइल्स हमारे सामने आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास डीप ब्लू CLI-master है ना, इस वाले फोल्डर में जाएंगे हम। तो CD यहाँ आ गए, LS करता हूँ, ये सारी फाइलें आ गई हमारे पास। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर एक देख रहे होगे deepblue.py, एक आपको फाइल दिख रही होगी, स्क्रिप्ट दिख रही होगी, सॉरी PS1 पावर शेल स्क्रिप्ट है वो। तो इसको हम रन करेंगे। पावर शेल स्क्रिप्ट को हम कैसे रन करते हैं, .deepblue.ps1 .. हमको कौन से लॉक्स चाहिए थे, security.evtx लॉक्स, हमें लोकल लॉक्स को
नहीं करना है ऑब्जर्व, हमें एनालाइज़ नहीं करना है लोकल लैब से, जैसे हमें बताया था लोकल लैब की लैब, लोकल जो लॉग्स है हमारे लैब के उनको एनालाइज़ नहीं करना है। हमने सिक्योरिटी डॉट ई वी टी एक्स के अंदर हमारे पास लॉग्स हैं उनको हमें, ये कॉम्प्रोमाइज मशीन के लॉग्स हैं बेसिकली, ठीक है। तो इसको मैंने लोड कर दिया है, तो अब हम इसको एनालाइज़ करेंगे और आंसर्स को फाइंड आउट करते हैं। तो स्टार्ट कर दी मैंने ये, तो अब आप देखते जाइएगा कि क्या क्या मैं कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा इसका अगर फॉन्ट साइज इंक्रीज हो जाता है, देखता हूँ मैं फॉन्ट, सही है, ठीक है। तो ये हमारी ओपन हो गई लॉग फाइल। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है यूजिंग डीप सी एल आई, डीप ब्लू सी एल आई इन्वेस्टिगेट द रिकवर्ड सिक्योरिटी लॉग, लॉग है जो है सिक्योरिटी डॉट ई वी टी एक्स, विच यूजर अकाउंट रैन गूगल अपडेट डॉट ई एक्स सी। तो कोई ज़्यादा लॉग नहीं है, तो हम वन बाय वन इसको फाइंड आउट कर सकते हैं किस यूज़र ने रन किया है। कमांड गूगल अपडेट डॉट ई एक्स सी, एक तो यहीं पर ही मिल गई हमको। ये जो यूज़र है यहाँ पर है सी डी यूज़र्स के अंदर गए, ये कमांड होती है विंडोज़ में, माइक स्मिथ नाम का है, तो वहाँ पर आपने आंसर में देख ही लिया होगा माइक स्मिथ ही है इसका आंसर। और भी देख लेते हैं एक बार, हम थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं। ये देखिए इसने भी गूगल अपडेट डॉट ई एक्स सी फाइल को रन किया है, ये भी माइक स्मिथ ही है। थर्ड वन देखते हैं हम, ये दूसरी कमांड आ गई सी एस सी डॉट ई एक्स सी आ गई विंडोज़ फायर, ये दूसरी आ गई। तो हमारे पास जो पहला क्वेश्चन आंसर आया वो आया माइक स्मिथ, ठीक है। तो पहला तो हमारा ये सॉल्व हो गया। सेकंड जो है हमारा यूजिंग डीप सी एल आई इन्वेस्टिगेट द रिकवर्ड सिक्योरिटी डॉट, एट व्हाट टाइम इज देयर लाइकली एविडेंस ऑफ मेटाप्रेटर एक्टिविटी। मेटाप्रेटर एक्टिविटी में करना है, तो ऊपर जाके देखते हैं हम मेटाप्रेटर एक्टिविटी कहीं मिलती है हमें। ये हमारी सस्पिशियस कमांड लाइन रिसोर्स फाइल टू सी ऑफ ऑब्जेक्ट कन्वर्जेशन यूटिलिटी, इसमें कहीं मेटाप्रेटर यहाँ पर आया। देखो पॉसिबल यूज़ ऑफ मेटाप्रेटर गेट सिस्टम, ठीक है। मेटा एक्सप्लॉइट हाइफन स्टाइल सी एम डी विथ पाइप, ये हुआ है सी एम डी स्लैश सी इको आर चैट टी पी जी एन, ठीक है। ये इसका आउटपुट इसमें इसने करा रखा है, इसके ऊपर तो कुछ और मेटाप्रेटर की, यहाँ पर तो हमारी कमांड ही स्टार्ट हुई है। तो एट व्हाट टाइम कह रहा है ना ये, तो हमारे पास ये इसका टाइम हम नोट कर देंगे यहाँ पर मेरा, आई थिंक इसको मैंने कर ही दिया है सॉल्व शायद। ये देखिए यहाँ पर टाइम आ गया 10:48:14, करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट है यूजिंग डीप ब्लू सी एल आई इन्वेस्टिगेट द रिकवर्ड सिस्टम डॉट ई वी टी एक्स लॉग, व्हाट इज द नेम ऑफ द सस्पिशियस सर्विस क्रिएटेड। व्हाट इज द सस्पिशियस सर्विस क्रिएटेड, ठीक है। यूजर नेम फाइल नेम को वापस कर देते हैं, हमें फिर से कर लेते हैं बस सस्पिशियस सर्विस क्रिएटेड, सस्पिशियस सर्विस, सस्पिशियस सर्विस यहाँ पर हमें सस्पिशियस सर्विस यही है हमारी जो होगी, क्योंकि ऐसा तो कोई नाम सर्विस का होता नहीं है। आर जेड टी बी जेड एन कॉपी करते हैं एक बार, करेक्ट आंसर, ठीक है। इन्वेस्टिगेट द सिक्योरिटी डॉट ई वी टी एस लॉग्स इन इवेंट व्यूअर, प्रोसेस क्रिएशन इज बीइंग ऑडिटेड, इवेंट आई डी 4688, आइडेंटिफाई द मेलिशियस एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड that was used to gain metaprater reverse shell,
बिटवीन 10:30 to 10:50 AM ऑन 10th अप्रैल 2021। ओके, तो अब ये जानना चाह रहा है कि वो कौन सी एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड करी जिसका यूज़ करके जो अटैकर है उसने मेटापेटा रिवर्स शेल लिया। ठीक है, मेटापेटा रिवर्स शेल हम विक्टिम के सिस्टम से अटैकर के सिस्टम में लेते हैं। ठीक है, एक रिवर्स शेल होता है, एक बाइंड शेल होता है। इसके बारे में मैंने शेल नाम की एक वीडियो बनाई है, वो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ आपको डिफरेंट टाइप की शेल्स मैंने एक्सप्लेन की थी। ठीक है, तो अब हमें पावर शेल में जाना है। तो पावर शेल के लिए हम चले जाते हैं यहाँ पे अपने, इसको डाउन कर देता हूँ मैं, इसको ओपन करते हैं, इन्वेस्टिगेशन में जाते हैं, क्रॉस कर देता हूँ। ये थोड़ा मैं बढ़ाना चाहूँगा पर ये बढ़ेगा नहीं। ऐसे करके देखते हैं बार बढ़ा के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इवेंट व्यूअर दिख रहा होगा ये, तो इसको ओपन करता हूँ मैं। ये ओपन कर दिया। ठीक है, एक्शन में जाता हूँ, ओपन सेव लॉक्स करता हूँ। सेव लॉक्स में हम जाएंगे डेस्कटॉप में, डेस्कटॉप में इन्वेस्टिगेशन था, इन्वेस्टिगेशन में सिक्योरिटी लॉक्स हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे नाम दे देते हैं इसको, सिक्योरिटी 2 दे देता हूँ मैं, ओके कर देते हैं। तो ये हमारे लॉक्स ओपन हो गए। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, इसको मैं थोड़ा नीचे को कर देता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे होगे लॉक्स को, ये थोड़ा स्मॉल हो रहा है, थोड़ा अगर मैं इंक्रीज करना चाहूँ इसे, एक्चुअली ये इसको ठीक है। तो इसमें हमें आप देख रहे हो 1874 टोटल नंबर ऑफ हमारे पास इवेंट्स हैं, पर हमारे पास क्या है, एक फ़िल्टर है, हम फिल्टर यूज़ कर सकते हैं। हमें एक टाइम रेंज दे रखी है, इतने से इतने के बीच में एक एग्जीक्यूटेबल डाउनलोड हुई है। ठीक है, जिसकी हेल्प से अटैकर ने रिवर्स शेल लिया है, मेटापेटा रिवर्स शेल लिया है। तो एक बार टाइम जोन देखता हूँ मैं, जो टाइम जोन है वो है आपका 10:30 AM से 10:50 AM 10th अप्रैल 2021। ठीक है, तो यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है फिल्टर का, यहाँ पर हम कस्टम रेंज सेलेक्ट करेंगे। आई नो आपको देखने में थोड़ा इशू हो रहा होगा, पर मैं बोलता जाऊँगा आपको जो जो पैरामीटर यूज़ हो रहे हैं। तो फ्रॉम डेट से हम इवेंट ऑन कर लेंगे। इवेंट ऑन में मैं यहाँ पर 2021 डालता हूँ, 2023, 2021 अप्रैल, और यहाँ पर हम डालते हैं 10। ठीक है, और टाइम जोन क्या है हमारे पास, 10:30 या 10:20, ये बार कंफर्म कर लूँ मैं फिर से, 10:30 से 10:50 तक। ठीक है, 10:30 से इसको 10 कर लेते हैं। आई थिंक ये हैंग हो गया थोड़ा, सॉरी 10:30 करना है हमने, 30 इसको 0:0 कर देते हैं,
PM को AM कर देते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट टाइम हमने 10:30 ले लिया है और एंड टाइम हमारा होगा 10:50। तो इवेंट ऑन, यहाँ पर हम फिल्टर यूज़ करते हैं 2021 April 10th। अब हमें डेट करनी है चेंज, ठीक है। मार्च सेलेक्ट हो गया आई थिंक, 2021 April 10, 10/4/2021। ओके, अब हमको 10:50 करना है। फिफ्टी हो गया, इसको भी 0:0 कर लेते हैं। ये 0:0 हो गया, AM सही है हमारा, ठीक है। तो हमारे पास जो टाइम था वो हो गया है 10:30 से 10:50 तक और 10th April 2021। ओके कर देते हैं यहाँ पे, यहाँ पे ओके कर देता हूँ मैं। 10th अप्रैल से आ गया, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ इंसिडेंट 39 हो गए हमारे पास अब, ठीक है। जो फिल्टर हमने लगाया है, इस फिल्टर में 39 इवेंट्स है हमारे पास। तो हमको अब वो सर्विस ढूंढनी है, वो एग्जीक्यूटेबल फाइल ढूंढनी है जो डाउनलोड की गई है, जिसकी हेल्प से अटैकर ने मेटापेटा रिवर्स शेल लिया है। तो चलिए फिर देखते हैं, हम इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ मैं, यहाँ में पता चलता रहेगा, यहाँ पर आता रहेगा। देखो कमांड्स कौन कौन सी रन की गई हैं। स्टार्टिंग से अगर मैं देखूँ तो 10:45, 10:49 यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और chill.exe, ये तो सारी हमारी जो है, ये vermager.exe, ये भी सब विंडोज़ की डिफ़ॉल्ट फाइल है। रन DLL 32 serviceupdate.exe डाउनलोड यही हुई है, हमें मिल गई शायद ये, माइक स्मिथ ने कर रखी है, डाउनलोड्स के अंदर है, सब सर्विस अपडेट डॉट ई एक्स ई। गाइज यही है शायद सर्विस अपडेट डॉट ई एक्स ई, क्योंकि डाउनलोड्स के अंदर और देख लेते हैं। चलिए System32, ये भी सब SVC है, CMD.exe चलाई है, इसका कोई डाउनलोडिंग से नहीं है। conhost.exe भी हमारी लेजिटमेट है, ये भी लेजिटमेट है हमारी। नेट यूज़र, कोई यूज़र ऐड किया होगा, नेट वन यूज़र्स, ये सारी यूज़र ऐड करने के लिए होती हैं कमांड, ठीक है। ये तुम्हारा मोजो प्लेटफॉर्म चैनल हैंडल है, ये भी सेम कमांड है, सब लेजिटमेट कमांड है। गूगल एप्लीकेशन chrome.exe करी गई है, ये देखिए यहाँ पर फिर से आई डाउनलोड्स के अंदर, माइक स्मिथ ने कर रखे यूज़र ने, सर्विस अपडेट डॉट ई एक्स ई, ठीक है। consent.exe भी हमारी वो है, ये तो खैर मोजो डॉट प्लेटफॉर्म, तो ये हमारी सारी लेजिटमेट है। सर्च फिल्टर host.exe, सर्विस अपडेट डॉट ई एक्स ई फिर से आई है डाउनलोड्स के अंदर, consent.exe भी लेजिटमेट है, ये सेम आ रही हैं, ये भी हमारे कुछ मैनेजर होती है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है सर्विस पर, ये लेजिटमेट होती है हमारी। sms.exe लेजिटमेट है, winlogon.exe
ये ऐसी कोई डाउनलोड तो हुआ नहीं है इसमें कुछ। लॉग ऑन UI.exe फ्लैग 0.0, ये कोई एग्जीक्यूटेबल नहीं है। हमने एग्जीक्यूटेबल फाइल भी देखनी है ना। प्रोसेस आईडी DLL host.exe, ये तो एजमेट है। फिर से ये आ गई सर्विस अपडेट .exe करके। डाउनलोड्स के अंदर है, माइक स्मिथ यूज़र है और कुछ ऐसी हमें माइक स्मिथ ऐप डाटा लोकल गूगल क्रोम एप्लीकेशन chrome.exe इसने स्टार्ट किया होगा। क्रोम जब भी क्रोम स्टार्ट किया हो, जब भी आप कोई विंडोज़ में, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, कोई आप जैसे प्रोसेस स्टार्ट कर रहे हो, कोई चीज़ स्टार्ट कर रहे हो ना, तो कोई बैकएंड में एक एग्जीक्यूटेबल फाइल रन होती है, बाइनरी फाइल, ठीक है, जो उस एप्लीकेशन को, उस प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो यहाँ पर जो हुआ होगा वो हमारी क्रोम उसने स्टार्ट किया हो, तो देखिए chrome.exe फाइल स्टार्ट हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो सर्विस फिल्टर host.exe ये भी हमारे नहीं है, ये तो हमारी जो मेलिशियस थी वो हमें डिटेक्ट हो गई थी। तो यहाँ पर हमारी जो है सर्विस अपडेट .exe ही लग रही है। एक बार कॉपी करता हूँ मैं पहले इसको, सर्विस अपडेट .exe डाल के देखते हैं एक बार हम यहाँ पे क्वेश्चंस में। यूज़र नेम भी डालना है हमने, तो माइक स्मिथ कॉमा सर्विस अपडेट .exe क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली, करेक्ट है, ठीक है। तो सही था ये हमारा, माइक स्मिथ ने ही डाउनलोड किया है सर्विस अपडेट .exe फाइल, जिसकी वजह से उसने मेटाप्लॉटर रिवर्स शेल लिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, इट इज ऑल्सो बिलीव दैट एन एडिशनल अकाउंट वॉज क्रिएटेड टू इंश्योर परसिस्टेंस बिटवीन 11 AM टू 11:40 ऑन 10th, ठीक है, सेम डे है। व्हाट वॉज द कमांड लाइन यूज टू क्रिएट दिस अकाउंट, कौन सी कमांड लाइन यूज हुई थी, ठीक है। तो फिर से इसको क्लियर कर देते हैं फिल्टर्स को। आर यू श्योर टू डिलीट योर, नो आई वांट टू क्लियर फिल्टर। फिर से हम फिल्टर करंट लॉक्स में लगाते हैं, कस्टम कर लेते हैं इसको, कस्टम रेंज इवेंट ऑन सेम डेट 2021 अप्रैल 10th, टाइम जोन देख लेते हैं एक बार, 11:25 to 11:40, 11:25, 11 तो है ही सेलेक्ट, 11:25 ये तो बढ़ रहा है, 11:25:00 कर लेते हैं इसे, ठीक है, 11:25 हो गया। एड ऑन एयर 2021 अप्रैल डेज 10, ठीक है, टाइम हो जाएगा हमारा 50 हो गया, इसको भी 0:00 कर देते हैं, ठीक है, 11:25 to 11:50 डेट है 10 अप्रैल 2021, ओके, ठीक है, 56 लॉक्स है हमारे पास। स्टार्टिंग हम लेटेस्ट लॉक से करते हैं, कोई नहीं, यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ मैं। तो हमको इस बार तो सिंपल है हमारा,
इसने क्या पूछ रखा है हमसे, कौन सा यूजर ऐड हुआ है, राइट। यूजर यूजर अकाउंट लास्ट, हमारे पास एक और क्वेश्चन बच जाएगा इसके बाद। इट्स ऑल्सो बिलीव दैट एन एडिशनल अकाउंट वॉज क्रिएटेड टू इंश्योर परसिस्टेंस बिटवीन 11:25 AM टू 11:40। इसमें क्या होता है ना, परसिस्टेंस एक टैक्टिक्स है हमारे माइटर में। तो जैसे मैंने अपना माइटर का जब सीरीज़ बनाई थी, मतलब लिनक्स की सीरीज़ जो बनाई है, उसमें आप जाके माइटर में देख सकते हो, मैंने 5 to 6 टैक्टिक्स को डिस्कस किया था, उसमें से एक परसिस्टेंस भी थी। परसिस्टेंस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक अटैकर अपने को उस सिस्टम पे चाहता है, जिससे अपना एक्सेस वो क्रिएट रखे उसमें, अपना एक्सेस इनेबल रखे उसमें, जिससे आगे फ्यूचर में जब भी वो सिस्टम को एक्सेस करना चाहे तो ही इज़ एबल टू डू इट। तो इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके से हम परसिस्टेंस अचीव कर सकते हैं। तो उसमें एक परसिस्टेंस अचीव करने का तरीका ऐड यूज़र करके भी होता है, कि हमने सिस्टम को, अटैकर ने सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया, ठीक है, उसमें उसने अपना यूज़र क्रिएट कर लिया कोई लेजिटमेट यूज़र टाइप के नेम से, ठीक है, फिर उसका एक्सेस यूज़र नेम पासवर्ड उसके पास होगा, तो जब चाहे वो उस सर्वर पे या उस एप्लीकेशन पे एक्सेस कर सकता है। तो इस तरीके से वो एक परसिस्टेंट क्रिएट कर सकता है अपने टारगेट सिस्टम पे। तो चलिए फिर देखते हैं इसको, यूज़र फाइंड आउट करना है हमने। तो सबसे पहले हम वही जो आप नीचे यहाँ पर देख रहे होंगे, प्रोसेस कमांड लाइन, इसमें हमने जो हमारा यूज़ होता है विंडोज़ में ऐड यूज़र करके कमांड, वो चेक करनी है। उसके अलावा अभी हमें कुछ नहीं चेक करना है, क्योंकि ऐड यूज़र उसी से हुआ होगा। नेट यूज़र ये देखिए शुरू हो गया। ये देखिए यहाँ पर नेट लोकल ग्रुप एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस अकाउंट स्लैश ऐड। तो ये जो यूज़र है, ये सर्विस अकाउंट हुआ है ऐड, ठीक है, और ये एडमिनिस्ट्रेटर ग्रुप हुआ है, इसको मिला है। तो यहाँ पर जो एक बार डाल के देखते हैं, जो हमें मिला है फर्स्ट सर्विस अकाउंट ही होगा आई थिंक, अकाउंट क्रिएशन कमांड लाइन, ये होगी कॉपी, सॉरी ये तो ऑडिट लॉक्स गलत कॉपी हो गया, ये यहाँ हो गया, कॉपी हुआ तो है, हो गया कॉपी, रॉन्ग आंसर कह रहा है ये। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सिंपल ये नेट यूज़र ये करके देखते हैं बार। करेक्ट ठीक है, उसमें उसने अभी कुछ ग्रुप्स नहीं मांगे, उसने खाली हमें सिंपल कमांड जो होती है नेट वन यूज़र स्पेस सर्विस अकाउंट स्पेस स्लैश ऐड, तो ऐड हो गया यूज़र, ठीक है। तो ये 5th नंबर का क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हुआ है। 6th नंबर का क्या है, व्हाट टू लोकल ग्रुप्स वॉज दिस न्यू अकाउंट एडेड टू। अब कौन कौन से दो ग्रुप्स में ऐड हुआ है ये न्यू अकाउंट जो हमने क्रिएट किया है। तो एक तो आपको इससे पहले वाले में मिल गया था, पहला तो है ये देखिए यहाँ पर आप देख रहे होगे नेट लोकल एडमिनिस्ट्रेटर, तो पहला ग्रुप आ जाएगा एडमिनिस्ट्रेटर, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटर आ गया कॉमा। अब सेकंड ग्रुप फाइंड आउट करना है हमने, सेकंड ग्रुप ये मिल गया हमें नेट वन लोकल ग्रुप रिमोट डेस्कटॉप यूज़र्स। तो ये वो ग्रुप होता है, इसमें वो यूज़र्स होते हैं जिनको अलाउड होता है RDP एक्सेस का, ठीक है। तो रिमोट
डेस्कटॉप यूजर्स, सॉरी रिमोट डेस्कटॉप यूजर्स, यहाँ पे स्पेस देता हूँ, सबमिट करता हूँ और ये कंप्लीट। तो ये चीज़ थी हमारी, इसमें 6 क्वेश्चंस थे, बेसिक लेवल की थी, पर ये मैं कर रहा था तो मुझे अच्छी लगी, मुझे लगा कि आप लोगों के साथ डिस्कस किया जाए, जिससे आपको पता चले कि हम इवेंट व्यूअर लॉग्स में भी कैसे हम एनालाइज करते हैं लॉग्स को, कितने इम्पोर्टेंट होते हैं वो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उससे हमें मिल सकती है। तो इस चीज़ को ही मुझे आपको दिखाना था। तो ये लैब मैं अब एंड करता हूँ, ये वीडियो भी एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।